हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं एंड ट्रांसफार्मर का रीडिंग क्या है, ये सारे चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में बहुत बार पूछे गए हैं। एंड ये क्वेश्चंस बहुत ही सटीक है, जो कि इंटरव्यू में पूछता ही है, व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है। एंड आंसर, ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस डैट रिड्यूस एंड इंक्रीज द वोल्टेज एसी सप्लाई विदाउट चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी। यानी जो ट्रांसफार्मर ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो बगैर फ्रिक्वेंसी को चेंज किए हुए एसी सप्लाई को अप डाउन करने में काम किया जाता है, उसीलिए उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड आई होप, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, फैब्रिकेटेड ट्रांसफार्मर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक फोर्स है, जो ट्रांसफार्मर को व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में कितने पार्ट्स होते हैं, ऐसे क्या क्या पार्ट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे। सो जैसे कि लोमिनेटेड कोर, वाइंडिंग्स, इंसुलेटेड मटेरियल्स, ट्रांसफार्मर वायल्स, टॉप चेंजर, ऑयल कन्वर्टर, क्या है, कंसलेशन, ब्रेथर, कूलिंग ट्यूब्स। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो कि हम लोग ये डिस्कस किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू ट्रांसफार्मर हैव अ रेटिंग अ केवीए। ट्रांसफार्मर को क्यों रेडिंग है, जो केवीए में बोला जाता है, इसको केवी में क्यों नहीं बोला जाता, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को केवी में बोला जाता है, इसको केवीए में क्यों बोला जाता है। तो द ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक डिवाइस, ड्यू टू दिस देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ लेसेस, दिस डिवाइस, दिस लेस कीप्स चेंजिंग वोल्टेज एंड करेंट एंड लेसेस, सो देयर नो नीड टू फॉर पावर फैक्टर, दैट्स वाई। सो इसमें मोटा मोटी ये आप जान सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर में टू टाइप्स को लेस होते हैं, उस लेस को पूरा करने के लिए हम लोग पावर फैक्टर का जो पैनल है उसको यूज करते हैं। सो अगर आप देखे होंगे, जैसे जो बड़ा प्लांट्स है उसमें पावर फैक्टर का जो लगाया हुआ रहता है पैनल, वो इसी लेस को पूरा करने के लिए वो पावर फैक्टर का वो लगाया जाता है। सो हम लोग चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन के, सिक्स नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ करेंट ट्रांसफार्मर, यानी सिटी ट्रांसफार्मर, सिटी ट्रांसफार्मर क्या है, करेंट ट्रांसफार्मर क्या है। सो करेंट ट्रांसफार्मर इज अ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज टू मेजर करेंट, इट एक्ट्स, इसको बोले इट एक्ट्स लाइक अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये काम जो करता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए जैसा काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे पैनल्स में आप देखे होंगे कि जो ये सीटी लगा करके और इसको करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ओनली वन बाई वन या आर बाई बी कोई फेस में भी लगा करके उसको फेस टू फेस उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ये बहुत सारे ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एंड पैनल्स डीवी एसएमडीवी में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चल रहे हैं, सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ वोल्ट ट्रांसफार्मर, यानी पीटी ट्रांसफार्मर क्या है। सो अब ये सेम ये क्वेश्चन है, बट ये पीटी ट्रांसफार्मर के लिए ये बोला जा रहा है, लाइक वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज अ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज टू मेजर वोल्ट, इट एक्ट्स लाइक अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका भी यही यानी ये आ रहा है, लाइक ये बड़े बड़े जो सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन में वोल्ट को मेजर करने के लिए ये लोग पी टी ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है, ताकि वो हैवी वोल्ट्स में वो कौन सा मीटर से यूज करेगा, इसलिए वो पी टी ट्रांसफार्मर लगाता है, ताकि वो वोल्टेज को मेजर कर सके, इसलिए वो पी टी ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो एट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। द ट्रांसफार्मर विच वर्क टू इंक्रीज द वोल्टेज इट्स कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी जो ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए हम उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सो अगर व्हाट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। द ट्रांसफार्मर इज दैट
which work to reduce the voltage. It's called step down transformer. जो transformer को हम लोग step down transformer बोलते हैं, जो कि voltage को कम करने में use किया जाता है, उसे voltage step down transformer बोलते हैं. Okay. And next question, how many types of losses do transformer have? यानी transformer में कितने types का loss है. जैसे हम पहले questions में ही इसका questions का answer clear हो गया है कि ये two types का losses आता है, iron and quartz. Thanks for watching this video. I will meet again.